हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर देगी और बहुत ही इजी है इसको यूज करना। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए चाहिए और किस तरह से इसको करना है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए हमें मुल्तानी मिट्टी। ये इजीली अवेलेबल होती है बाजार में और ये आप हमेशा घर में रखिए क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी चीज हमें चाहिए ये पपाया के जो सीड्स होते हैं ना, पपीता जब हम खाते हैं उसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं तो उनको आपने धोकर धूप में सुखा लेना है। जब धूप में वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे तो उनको इस तरह से पीस कर रख लेना है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इस राइट नाउ तो मैं इसको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन इसको प्रीवियसली मैंने स्किन पीलिंग की वीडियो बनाई हुई है उसके लिए भी मैंने यूज किया। आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो भी। अब इस पाउडर को और मुल्तानी मिट्टी को हमने जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, मतलब जिस एरिया पर हमने लगाना, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, तो हम उतनी ही क्वांटिटी एक बाउल में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी दोनों की ली है, लगभग मैंने बराबर रेशियो में दोनों को लिया है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़े से ही हमने पपाया के सीड्स का पाउडर लिया है। अब इन दोनों को हमने थिक पेस्ट बनाना है। चाहे तो आप इसको पानी में मिक्स कर लीजिए, चाहे तो आप इसको रोज वाटर में भी आप मिक्स कर सकते हो, एज यू विश। मैं इसको रोज वाटर में थिक पेस्ट बना रही हूं। बस इसको आपने बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बन जाएगा जब ये मिक्स कर लेना है। अब इसको लगाने से पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है एक साफ टॉवल। उस टॉवल को हमने गर्म पानी में भिगो लेना है और इसको पानी, एक्सेस पानी इसका निकाल देना। ये टॉवल गर्म होगा, इस गर्म गर्म टॉवल को आपने अपने अफेक्टिव एरिया पर, जहां पर आपको ब्लैक हेड्स हैं या फिर आपको व्हाइट हेड्स हैं, आपने 1 से 2 मिनट इस तरह से इसको प्रेस करके स्किन को सॉफ्टन अप करना है ताकि हमारी स्किन उस एरिया की सॉफ्ट हो जाए, हमारी जो डेड स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हमने इसको प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करने के बाद इस जगह पर मैं लगाने जा रही हूं ये वाला पेस्ट। तो मैंने इसको इस तरह से लगा देना, ठीक है जी। इसको आप जहां पर आपके व्हाइट हेड्स हैं वहां पर भी लगा सकते हो। तो कॉमनली तो इस एरिया पर ही हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहीं पर मैं लगा रही हूं, ठीक है जी। इसको अब हमने सूखने देना है, जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको सूखने में, तो हमने इसको सूखने देना है। तो लगभग 10 मिनट के बाद ये मेरा जो पैक मैंने लगाया था ये ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको वॉश नहीं करना, हमने लेना है अपना कोई भी पुराना टूथब्रश। हमने नया टूथब्रश नहीं लेना, पुराना लेना है, क्योंकि पुराने के ब्रिसल्स घिस चुके होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। हाँ, तो हमने इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। चाहो तो आप पानी के साथ गीला कर लो, चाहो तो आप रोज वाटर के साथ इसको गीला कर लो, ठीक है जी। अब गीला करने के बाद हमने बहुत ही जेंटली, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए स्किन पर, ये बहुत ही जेंटली हमने अपने अफेक्टिव जगह पर जहां पर हमें ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हैं, हमने इस तरह से इसको सर्कुलर मोशंस में मसाज करनी है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा और गीला करूंगी इसको इस तरह से। हमने मसाज कर देनी है, इसको क्लीन कर लिया मैंने, यू कैन सी। अब मैं इसको पानी से वॉश करूंगी, फिर मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। तो मैंने कर लिया है पानी से वॉश अपने नाक को। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी अपना रोज वाटर और इसको थोड़ा सा डैब डैब कर लेंगे एंड वी आर डन। और आप देख सकते हो नाक बिल्कुल मेरा जो है क्लीन हो गया। अगर आपके ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स नहीं भी है ना, फिर भी आपका नोज कहीं का शाइन नहीं करता होता है, नाक पे चमक नहीं होती, चमकने लग जाएगा। बारी आती है कुछ कॉमन क्वेश्चंस की और डाउट्स की। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को गायब कर देगा? जी हाँ, बिल्कुल कर देगा। लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव आपके ब्लैक हेड्स है, मतलब पूरा नाक भरा हुआ ब्लैक हेड्स से या व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा है, तो इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको इसको रेगुलर करना पड़ेगा।
हफ्ते में एक बार इसको आपने जरूर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको 70% रिजल्ट मिलेगा तो सेकंड अटेम्प्ट में रिमेनिंग 30% मिल जाएगा। हफ्ते में एक बार इसको जरूर कीजिए। करने के बाद रोज वाटर आपने जरूर इसके ऊपर लगाना है, वो आपके या टोनर, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप कोई भी टोनर जो है वो लगा सकते हो, वो आपके पोर्स को जो है वो श्रिंक कर देता है, नॉर्मल पोजिशन पर ले आता है। दूसरी चीज, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी लगा सकता है, कोई भी स्किन टाइप वाले इसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, डेड स्किन को शेड ऑफ करने में मदद करती है, ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में मदद करती है, गंदगी निकालती है। सिमिलरली जो हमारे पपाया सीड्स होते हैं ये स्किन को एक्सफ्लोरिएट करने में, स्किन की इलास्टिसिटी बनाने में और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज दी बेस्ट। थर्ड कॉमन क्वेश्चन या डाउट कह लो इसको, जब भी हम ब्लैक हेड्स क्यों बार बार हो जाते हैं? ब्लैक हेड्स इसलिए बार बार हो जाते हैं क्योंकि हम गलती करते हैं, सबसे पहली गलती चेहरा धोने के टाइम। आप कभी नोटिस करना, जब भी आप चेहरा धोते हो ना, धोते टाइम अपना फेस रगड़ी जाओगे, यहां पर भी ये करते जाओगे, लेकिन नाक के ऊपर बहुत कम टाइम हम इस तरह से इस जगह पर अपना फिंगर्स को रब करते हैं, अपना जो फेस वॉश होता है उसको इसके ऊपर रब करते हैं। हम बाकी फेस पर टाइम देते हैं लेकिन इस जगह को हम नहीं टाइम देते हैं। एक बार आप नोटिस जरूर करना इस चीज को, यही कारण है यहाँ पर हमारी गंदगी जमने लग जाती है। दूसरा जो मेन कारण होता है, हम अपनी स्किन को एक्सफ्लोरिएट नहीं करते हैं हफ्ते में दो बार। आपकी चाहे कोई भी स्किन टाइप है, स्क्रबिंग इज मस्ट। आप चाहे होममेड स्क्रब यूज कर लो, मेरी चैनल पे बहुत रेमेडीज है जिसमें मैंने होममेड स्क्रब्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए, नहीं तो आप मार्केट वाला कोई भी स्क्रब ले सकते हो। हफ्ते में दो बार अपनी फेस की जरूर स्क्रबिंग करनी चाहिए, उससे हमारी डेड स्किन जो है वो निकल जाती है, जिससे हमारी डेड स्किन और गंदगी नहीं जमती है, स्पेशली उन एरियाज पर जो एरियाज प्रोन है। यही कारण है कि ब्लैक हेड्स बार बार रखकर होते हैं। नेक्स्ट कॉमन चीज, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए कभी भी नेल्स का इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी हार्श चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी फेविकॉल वगैरह अपने नाक पर, बहुत ने देखा होगा फेविकॉल लगाकर ब्लैक हेड्स, तो उससे हमारी स्किन खराब होती है। अगर स्किन डैमेज हो गई तो उसमें बड़े बड़े होल्स पड़ जाते हैं जिसमें ऑल टाइम आपके ब्लैक हेड्स भरते ही रहेंगे, गंदगी भरेगी और हमारे ब्लैक हेड्स से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। और ये जो होम रेमेडी है इसको अगर आप हफ्ते में एक बार करोगे आपके ब्लैक हेड्स बिल्कुल चले जाएंगे। फिर अगर आपका जो नोज है बिल्कुल क्लीन हो गया जब आपका, तो इस रेमेडी को आप मंथ में एक बार जरूर कीजिए और हफ्ते में दो बार स्क्रबिंग जरूर कीजिए। और कोई चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी, आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से डेफिनेटली छुटकारा हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।